हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, दैट इज कारवा। तो मैं जो है अब यूट्यूब के स्टाइल में ऐसे करके कैमरे को कर रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट है करना वैसे, मगर चलो ठीक है। तो आज जो है आपको एक नई जगह लेके चलते हैं जो कि है ज्ञान प्रवाह। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को ज्ञान प्रवाह के बारे में आइडिया नहीं है। तो मुझे ना एक्चुअली 6 दिन का कोर्स करना था अर्ली ब्राह्मी स्क्रिप्ट के ऊपर, तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों को हिस्ट्री में या हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ को देखना पसंद है तो उनको आई एम श्योर कि उन लोगों को ज़रूर पसंद आएगा ज्ञान प्रवाह। तो चलो चलते हैं आपको लेके ज्ञान प्रवाह। यहाँ कुछ ऑफिशियल सिंबल्स हैं जी, जो हमारे सांची, भरहुत, मथुरा आदि जगहों से लिए हुए हैं जी। ये पूरे रूप में देखें तो स्वस्तिक है। स्वस्तिक के अंदर भी और सारे सिंबल्स बने हुए हैं, मीन मिथुन है, श्रीवत्स है, फिर स्वस्तिक है, त्रिरत्न है, इंद्रयष्टि है। वैसे ही अलग अलग सिंबल्स चक्र का है, कमल का है, आगे लक्ष्मी गजलक्ष्मी का सिंबल है, उसके नीचे गंगा है, पूर्ण कलश है। आप बाहर एंट्रेंस पे भी देखेंगे तो कुछ पत्थर में उकेर करके ऑफिशियल सिंबल्स बने हुए हैं। ज्ञान प्रवाह संग्रहालय के स्थापना 2001 में हुई थी और हमारे जो फाउंडर चेयरमैन श्री सुरेश निवटिया जी थे जी। तो उनके और बिमला पोदार लोग जो प्राइवेट श्रीमती बिमला पोदार जो हमारी प्रबंध न्यासी हैं, इन दोनों के जो निजी संग्रह से जो इकट्ठा किया हुआ जो संग्रह था उसको इन्होंने ज्ञान प्रवाह को एक लोन पे आप लोगों ने दिया हुआ है। इन लोगों ने जो तुलसी थे, सूर्य है, आगे पालकालीन ब्रह्मा है, ब्रह्मा की मूर्ति रियर है, थोड़ी कम मिलती है ब्रह्मा की मूर्तियाँ, वो उमा महेश्वर उसके बाद है, फिर आपके अवलोकितेश्वर बौद्ध मूर्ति है। ब्रह्मा जी की मूर्ति तो बहुत ही कम मिलती है जी। इधर भी कुछ मूर्तियां लगी हैं हमारे जी। ये एक खास महत्वपूर्ण इसलिए है, इसमें उमा महेश्वर है, रावण और अनुग्रह की मूर्ति है। नीचे में छोटे में आप रावण का वो देखेंगे कि उठाए हुए हैं इन लोगों को। अच्छा, खास कर इस मूर्ति की ये है कि ये विश्वनाथ मंदिर से सटे हुए जो सरस्वती उद्यान है जी। ये वहाँ से ज्ञान प्रवाह और एसआई ने मिलकर जो उत्खनन किया वहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है। अच्छा, तो ये बनारस में ही मिली है जी, मतलब? जी। फिर ये अलग अलग जगहों से प्राप्त हुई मूर्तियां हैं जी। तो सारी खुदाई के टाइम में मिली है ना ये खुदाई से? तो वो मैं सरकार इन मूर्तियों का सेंट्रल इंडिया से, कुछ उत्तर प्रदेश से ऐसे से मिली है, लेकिन खुदाई से ही मिली है ऐसा प्रॉपर नहीं, ये मतलब संग्रह से है, उनके निजी संग्रह से। अच्छा, जो कुछ खरीदी हुई है या फिर कहीं से दान में मिली हुई है। ये वराह अवतार ना, इसमें 10 अवतारों का अंकन है, मत्स्य से शुरू होता है, मत्स्य अवतार से।
अच्छा इसमें सारे 10 अवतार हैं। अच्छा मुख्य रूप से 12 अवतार का। अच्छा इसमें चूंकि ये रेफरेंस लाइब्रेरी है जी, तो यहाँ पे जो पुस्तकें हैं वो हर की एक ही प्रति अपने पास है, तो आप यहाँ के अध्ययन कर सकते हैं। खासकर उस शिक्षा वाले एमए रिसर्च वगैरह के विद्यार्थी और आगे कहीं पढ़ने वाले लोग आकर के भारतीय विद्या जैसे कला संस्कृति इतिहास पुरातत्व आपके वास्तु इन सब से संबंधित पुराण वेद इन सब से संबंधित किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं। और जो कोई भी अध्ययन करना चाहे ज्ञान प्रवाह में आकर के हमारे संग्रहालय अध्यक्ष हैं और लाइब्रेरियन हमारे हैं श्री अनिरुद्ध कृष्ण घाणेकर जी, उनसे संपर्क कर सकते हैं। सर तो क्या क्राइटेरिया है मेंबरशिप वगैरह का? कुछ मेंबरशिप का एक रजिस्ट्रेशन होता है जी, फॉर्म भरा जाता है, उसमें आपके हेड्स का सिग्नेचर होती है जी, और 100 रुपये सालाना फीस। तो सर क्या बस हिस्ट्री स्टूडेंट ही करा सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई बाध्यता हम लोगों ने नहीं रखा है जी। जो भी रुचि रखता हो पढ़ने में वो आ सकता है। अच्छा, इसे में इंटरेस्ट है और इसे से काम करने वाले हैं। ये 100 साल से ज्यादा पुरानी है। अच्छा, मैं पांडुलिपियां सारी आओगे तो बहुत सारे आपको ऐसे मिनी एचर्स भी मिलेंगे अगर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो।